Hey guys, welcome to the first video of our UX quiz series. अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन। हम हर वीक यूट्यूब पे एक यूएक्स डिजाइन क्विज को डिस्कस करेंगे। ये क्विज कहाँ पे मिलेगा? इस क्विज के लिंक उसके पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और फिर ऐसे ही हर हफ्ते हम एक एक करके एक एक क्विज यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक क्विज वन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले पिछले वाला वीडियो देखो, उसमें ये क्विज वन के लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे इंस्ट्रक्शंस भी है। पहले उसे अटेम्प्ट करो एंड देन उसके बाद आके उसके आंसर्स के लिए इस वीडियो को वॉच करो, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है? तो जो हमारा पहला वीडियो है वो है यूएक्स डिजाइन प्रिंसिपल्स। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था वीडियो में, www.thedropoutacademy.in पे जाना है। यहाँ पे होम पेज पे एक यूएक्स क्विज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल क्विजेज आ जाएंगे। हम जो इस हफ्ते जो हम क्विज डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी लिंक मैंने पिछले वीडियो में डाल रखी है, वो है यूएक्स डिजाइन प्रिंसिपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। एज द नेम सजेस्ट, यूएक्स डिजाइन प्रिंसिपल्स जो है वो बिगिनर लेवल है सबसे पहले तो एक क्विज, एंड इट विल ओनली हैव वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंट्री लेवल डिजाइनर्स के लिए प्रोबेबली, और पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न यूएक्स डिजाइन। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। Got it. So, पहला क्वेश्चन है ये, which of the following template refers to which of the UX design methodologies? ये template इनमें से किस UX methodology की तरह दिखती है? And the right answer is user persona. User persona right answer क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो user persona में आपके यूजर का फोटो होता है, उसके गोल्स होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं, उसके बिहेवियर होता है, और जो उसका ओवरऑल जिस तरीके से वो दिखता है वो इसी टाइप की टेम्पलेट होती है। यूजर पर्सोना होता क्या है? यूजर पर्सोना इज अ फिक्शनल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स योर यूजर्स। तो दे आर नॉट योर यूजर्स एग्जैक्टली, बट इट्स लाइक अ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स योर यूजर। तो जो उसका टेम्पलेट बनता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो सही जवाब ये। आगे बढ़ते हैं। द एफ पैटर्न एंड जेड पैटर्न आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड आई ट्रैकिंग पैटर्न्स इन वेब डिजाइन, व्हाट डू दे रेफर टू? तो वेब डिजाइन में जब आप आई ट्रैक करते, आई ट्रैकिंग पैटर्न्स, आई ट्रैकिंग उसको बोलते हैं जब आप यूजर किस तरीके से आपकी वेबसाइट को लैपटॉप के ऊपर स्कैन कर रहा है, आप उसको ट्रैक करते हो कि वो कहाँ कहाँ देख रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म होता है एफ पैटर्न और जेड पैटर्न। इसका मतलब क्या है ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो F pattern, इसमें काफी सारे ऑप्शंस है। F pattern is related to the structure of navigation menu. F pattern and Z pattern are both related to the scanning patterns users follow when reading web pages. Yes, this C, this third option is the right answer. F pattern और Z pattern दोनों ही उस pattern को denote करते हैं जिस तरीके से user आपकी website को scan करता है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स में ये पाया गया है, बहुत सारे रिसर्चर्स में निकल के आया कि जब लैपटॉप पे अगर आपको वेबसाइट को स्कैन करते हो तो आप दो ही पैटर्न से उसको स्कैन करते हो, या तो आप एफ पैटर्न में देखते हो उसको या फिर जेड पैटर्न में देखते हो, राइट? मतलब आप पहले टॉप देखोगे, फिर फटाफट से स्कैन करके नीचे आओगे, फिर थोड़ा सा बॉटम देखोगे। तो इस टाइप से एफ या जेड दो ही पैटर्न में आप मोस्टली यूजर्स इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पॉपअप इज बेटर डिजाइंड, डिलीट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी परमानेंटली, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, द ऑब्जेक्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम रिपोजिटरी, डिलीट, द ऑब्जेक्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द रिपोजिटरी। ओके, ठीक है। सो आई थिंक दोनों में जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो इतना ही है दैट इसके अंदर सीटीएस इज डिलीट एंड इसके अंदर सीटीएस इज ओके। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन वन। वाई? बिकॉज डिलीट इज अ वेरी क्रिटिकल एक्शन, राइट? तो अगर आप जब भी कोई क्रिटिकल एक्शन कर रहे हो तो यूजर को सीटीए, यूजर के जो सीटीए की कॉपी होती है, उस सीटीए की कॉपी होगी, दैट शुड कंफर्म दैट दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। सिर्फ ओके अगर बोलेंगे तो यूजर शायद गलती से ओके क्लिक कर देगा, डिलीट होगा तो उसका ध्यान जाएगा डिलीट पे। सो इट्स लाइक कंफर्मिंग अ क्रिटिकल एक्शन सो दैट यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग यूजर्स एज ए परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क वाइल इंटरैक्टिंग विद अ प्रोडक्ट एंड कलेक्टिंग देयर फीडबैक? कौन से यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन मेथड में आप यूजर्स को टास्क परफॉर्म करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनका फीडबैक लेते हो? सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू यूजेबिलिटी, इट्स समथिंग रिलेटेड टू टेस्टिंग, राइट? यूजर टेस्टिंग। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में आप यूजर्स को ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप खुद ही यू नो इवैल्यूएशन करते हो। कॉग्निटिव वॉक थ्रू में यूजर्स एक्चुअली टास्क परफॉर्म नहीं करते हो। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में भी इट्स नॉट अबाउट टेस्टिंग, यू डू नॉट टेस्ट एनीथिंग। So the answer for this actually is usability testing. Usability testing में आप users को अपना prototype देते हो या फिर product देते हो test करने के लिए, and then you observe their behavior, how they are interacting with it,
and at the end of the overall task performance, then you figure out how good or how bad your prototype or product was easy to use. So jo agla question hai wo hai, what is the main difference between usability and accessibility in UX design? So usability basically concerns with the user experience, how usable the product is. Accessibility basically means ki kitna accessible hai, kya sab type ke log usko use kar pate hain us product ko. तो यूजेबिलिटी फोकसेस ऑन यूजर सेटिस्फेक्शन व्हाइल एक्सेसिबिलिटी फोकसेस ऑन एस्थेटिक्स. नहीं, एस्थेटिक्स पे फोकस नहीं होता है. सेकंड ऑप्शन भी गलत है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एस्थेटिक्स अगेन अपील. यूजेबिलिटी कंसर्न्स द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स नीड टू बी यूज्ड बाय कैन बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी. Okay, the next question. What does the term A/B testing, A/B testing refer to in UX design? A/B testing का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एक डिजाइन के मल्टीपल वर्जन को टेस्ट कर रहे हो, सेम चीज बनाई है बट उसके अलग अलग वर्जन आपने बनाए, तो एक वर्जन को आप नाम देते हो ए और एक को नाम देते हो बी. एंड यूजुअली ये जो टेस्टिंग होती है, दिस इज मोर लाइक अ वन काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव यूजर टेस्टिंग, जहां पे आप डेटा को एक्चुअली क्वांटिफाई कर पाते हो. तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो ए बी टेस्टिंग आपके डिजाइन के अलग अलग दो वर्जन को टेस्ट करने का एक तरीका होता है, जहां पे आप दोनों वर्जन को अलग अलग यूजर्स को देते हो या फिर लाइव वेबसाइट पे टेस्ट करते हो और फिर फिगर आउट करते हो कि कौन सा वर्जन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द वेब पेज टू डिटरमाइन व्हिच परफॉर्म्स बेटर, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द टर्म ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इन्वॉल्व इन यूएक्स डिजाइन? आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा अभी तक. ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने डिजाइन को पास करते हो. दीज आर लाइक रूल ऑफ थंब जिसके थ्रू आप अपने डिजाइन को, 10 ऐसे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप आपके डिजाइन को पास करते हो और फिर इवैल्यूएट करते हो कि आपके डिजाइन यूजेबल है या नहीं. इन 10 रूल्स में से कितने रूल्स में से आपके डिजाइन पास करती है और कितने में फेल होती है. तो इस टाइप के इवैल्यूएशन को जो आप सेल्फ परफॉर्म कर सकते हो उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन. तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मुझे थर्ड लग रहा है. यस, दैट इज अ करेक्ट आंसर. द अबव इमेज इज एन एग्जांपल ऑफ. ओके, तो कोरा का एक स्क्रीनशॉट है. कोरा ऐप आप सब लोगों ने यूज करी होगी. तो कोरा का एक स्क्रीनशॉट है विच सेज गेट योर डाइजेस्ट वेयरएवर यू गो, डाउनलोड द फ्री ऐप, आई ऑलरेडी हैव द ऐप. तो आई एम अज्यूमिंग कि एक एमवेब का स्क्रीनशॉट है. मोबाइल वर्जन पे जब आप इस कोरा को यूज करोगे तब आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा और आपको ये कह रहा है ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, इट्स अ पॉपअप एंड द ओनली टू ऑप्शंस दैट आई हैव इज डाउनलोड द ऐप और आई ऑलरेडी हैव द ऐप. अच्छा, तो अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे इसमें तो एक पूरी स्क्रीन में आपके पास कहीं भी बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास क्लोज करने का इस पॉपअप को कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपके पास ऐप नहीं है तो उसके लिए भी कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है कि आई डोंट हैव द ऐप. मतलब इट्स लाइक फोर्सिंग यू टू डाउनलोड देयर ऐप. दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न. इस काइंड ऑफ पैटर्न को बोलते हैं डार्क यूएक्स. मतलब आप ऐसी कोई चीज, इस टाइप का पैटर्न यूजर्स को दो कि वो कंपेल हो जाए कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए जो कि आप उससे चाहते हो लेना करवाना, वो खुद नहीं चाहता है करना. तो इस तरीके के पैटर्न्स को डार्क यूएक्स बोलते हैं. तो आई थिंक द राइट आंसर इज डार्क पैटर्न, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द जेकब नीलसन्स 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन? मैंने अभी अभी बात की थी ह्यूरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स के, मतलब क्या होता है, 10 रूल्स होते हैं जो कि यूजेबिलिटी आपकी डिजाइन की टेस्ट करते हो, जिससे आप कर सकते हो टेस्ट. तो इनमें से कौन सा वो ह्यूरिस्टिक्स का एक प्रिंसिपल नहीं है? विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस होता है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड ये भी होता है, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ये भी होता है, गेमिफिकेशन एंड एंगेजमेंट ये नहीं होता. गेमिफिकेशन कोई ह्यूरिस्टिक्स का लॉ नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस. व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग कार्ड सॉर्टिंग एक्सरसाइजेस इन यूएक्स डिजाइन? ठीक है, कार्ड सॉर्टिंग क्यों आप परफॉर्म करते हो यूएक्स डिजाइन में? सो कार्ड सॉर्टिंग में बता दूं, कार्ड सॉर्टिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप यूजर्स, यू प्रेजेंट यूजर्स विद अ लॉट ऑफ कार्ड्स, हर एक कार्ड पे एक इन्फॉर्मेशन होती है और यूजर को उन कार्ड्स पे लिखी इन्फॉर्मेशन को या उन कार्ड्स को कैटेगराइज करना होता है अपने हिसाब से. तो मेनली ये जो एक्सरसाइज करी जाती है ये यूजर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर रहा है उसको टेस्ट करने के लिए की जाती है. और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये जो एक्टिविटी है ये करते हैं ताकि हम यूजर के, हम उस प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को समझ पाए या किस तरीके से यूजर कैटेगराइज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को उसको समझ पाए. तो जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ही लग रहा है मुझे इसमें. लेट्स सी. यस, दैट इज अ करेक्ट आंसर. ओके, ओह वाह, वंडरफुल, द क्विज इज डन. मुझे 100% मिला. ये फाइनली.
I would like to thank my parents and my God for giving me this opportunity. Jokes apart. So this was about the quiz, guys. And I hope कि आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा इस क्विज के थ्रू. बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ मिसकंसेप्शन होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे. तो बस ये जर्नी हमें आगे बढ़ानी है. तो अगला वाला जो क्विज है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्कआउट होता है, कैसे हम क्विज को डिस्कस करेंगे. तो अगले वीक के लिए जो क्विज है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. जो अगले वीक का क्विज होगा वो होगा ऑन विजुअल डिजाइन, विच विल टेस्ट यू हाउ गुड यू आर एट विजुअल डिजाइन और एस्थेटिक्स, राइट? तो डू अटेम्प्ट इट. उसके अगले हफ्ते, मतलब जब भी हम डिस्कस करेंगे, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उस क्विज को डिस्कस करेंगे. फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट आता है क्विज में, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके इस वीडियो में बताओ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट बाय कमेंट, हर एक कमेंट को मैं पर्सनली डिस्कस करूंगा और आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा. सो टिल दैट टाइम, बाय गाइज.